Hello everyone, welcome to my channel which is Learning Institute, and today I am going to discuss a very important topic, Leibniz theorem, which is from calculus. So let's start this theorem. This theorem is about the nth differential coefficient, product of two function and their nth differential coefficient. यानी दो function हम कुछ लेते हैं u और v, जो कि x का function होगा और उसका nth derivative के बारे में बताता है ये थ्योरम. तो इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं पहले कि ये है क्या. तो ये थ्योरम डिस्कस करेंगे, इसके बाद फिर इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो आइए देखते हैं. तो इसका स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है. इफ यू एंड वी आर टू फंक्शन, इफ यू एंड वी आर टू फंक्शन, टू फंक्शन ऑफ एक्स, अगर यू और वी दो फंक्शन है एक्स के, जैसे यू भी फंक्शन ऑफ एक्स है और साथ में वी भी फंक्शन ऑफ एक्स, इसको कुछ अलग फंक्शन मान सकते हैं जी एक्स जैसा. तो यू और वी दोनों ही फंक्शन ऑफ एक्स हैं, देन एनथ, और अगर उनका सारा डेरिवेटिव एग्जिस्ट करें, इनके सभी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करें, तो हम कहेंगे कि इनका एनथ डेरिवेटिव इनके प्रोडक्ट का, इनके प्रोडक्ट के एनथ डेरिवेटिव को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं. ये होगा डी एन यू इंटू वी प्लस एन सी वन डी एन माइनस वन यू इंटू डी वी प्लस एन सी टू डी एन माइनस टू यू डी टू वी प्लस एन सी थ्री डी एन माइनस थ्री यू डी थ्री वी डॉट डॉट डॉट. और इसी तरीके से इसका nth टर्म लिख सकते हैं एन सी आर डी टू द पावर एन माइनस आर इंटू यू एंड डी आर वी. और लास्ट टर्म होगा यू डी एन ओ वी. इसको याद करना बहुत आसान है. nth डेरिवेटिव हम निकाल रहे हैं यू इंटू वी का, तो सबसे पहले इसको फर्स्ट सेकंड जैसा समझ सकते हैं. तो सबसे पहले क्या करेंगे, यू का nth डेरिवेटिव निकालेंगे और वी को एज इट इज रखेंगे. उसके बाद नेक्स्ट टर्म में एन सी वन आता है और डी का पावर एन माइनस वन जो यहाँ पे होगा उसी का माइनस है यहाँ, और वन यहाँ है तो यहाँ डी का पावर एक तरह से वन है यानी. और डी वन का मतलब है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. और उसी तरह फिर एन सी टू, तो एन माइनस टू होगा डी का पावर यानी डी एन माइनस टू, तो एन माइनस टू टाइम्स डेरिवेटिव होगा यू का. उसी तरह डी टू वी, फिर एन सी थ्री और एंड सो ऑन सारी वैल्यू. तो इसमें हमें क्या गिवन होगा, दो फंक्शन गिवन होगा जिसको हम यू और वी मान लेंगे, और फिर इसी तरह से उसके प्रोडक्ट का हम nth डेरिवेटिव निकाल लेंगे. तो इसका डेरिवेशन बहुत ज़्यादा नहीं पूछता है, तो हम इसके क्वेश्चन पे चलते हैं सीधे. तो एक क्वेश्चन लेते हैं तो फिर इसी से हम एक्सपेंड करेंगे. एक क्वेश्चन है, इफ y इक्वल टू a cos log x प्लस b b sin log x. तो ये क्वेश्चन इसी के ऊपर आधारित है. शो दैट, शो दैट एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू ज़ीरो एंड आल्सो शो दैट एंड आल्सो शो दैट एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू प्लस टू एन प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन प्लस एन स्क्वायर प्लस वन वाई एन इक्वल्स टू ज़ीरो. तो ये है क्वेश्चन, इफ़ y इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x
देन सो दैट सबसे पहले ये शो करना है एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू जीरो एंड देन ऑल्सो सो दैट दिस तो दिस इज़ द nth डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म. तो सबसे पहले हम इसको निकालेंगे और उसके बाद लेबनीज़ को यूज़ करके इस टर्म को निकालेंगे. तो ये वाला पार्ट ईजिली आ जाएगा, हमें इसका दो बार डेरिवेटिव करना होगा तो हमें y2 मिलेगा, y2 और y1. तो सबसे पहले हम इसका दो बार डेरिवेटिव करेंगे, उसके बाद बाय लेबनीज थ्योरम हम इसको करेंगे ये वाला पार्ट. तो सबसे पहले इसका हम दो बार डेरिवेटिव कर लेते हैं y का. तो फार्मूला हम फिर से देख लेंगे, इसको हम अभी इरेज कर रहे हैं. तो y को अगर हम डेरिवेटिव करें फर्स्ट डेरिवेटिव तो y1 हो जाएगा a, फिर cos का होगा माइनस साइन log x, फिर से log x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन x प्लस b, साइन का डेरिवेटिव होगा cos log x, फिर से हम log x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन x, साइन log x का cos log x, फिर log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x. ठीक है, अब यहाँ से हम चाहें तो x को कॉमन कर सकते हैं, x हमारा यहाँ से नीचे से कॉमन हो जाएगा तो और उस x को हम इधर भेज देते हैं तो x इंटू वाई माइनस ए साइन लॉग x प्लस बी कॉस लॉग x. सिंपल, x को हमने यहाँ से कॉमन करके इधर मल्टीप्लाई कर लिया. तो अब एक बार और डेरिवेटिव इसका करेंगे तो अगेन डिफरेंशिएटिंग. ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे y2 हमें लाना है तो सेकंड डेरिवेटिव करना होगा. तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट क्या मिलेगा, हम इसको फर्स्ट सेकंड मान लेते हैं, ये फर्स्ट है ये सेकंड है. तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, y1 का डेरिवेटिव y2 एंड देन सेकेंड फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 माइनस a साइन हो जाएगा cos log x, फिर log x होगा 1 अपॉन x. उसी तरीके से इसको लिख सकते हैं माइनस b साइन log x, फिर से log x करेंगे तो 1 अपॉन x. ठीक है, तो यहाँ से फिर से हम माइनस वन अपॉन एक्स कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट्स में आएगा ए कॉस लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स. सिंपल डेरिवेटिव है इसलिए हम बहुत फास्ट कर रहे हैं इसको. इसको फिर इधर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ये सारा माइनस के साथ टर्म को इधर ही रखते हैं. और जो वाई था हमारा इनिशियली जो हमें क्वेश्चन मिला था ये उसी के बराबर है, जो पूरा ब्रैकेट है वो उसी के बराबर है. तो इसको लिख सकते हैं y अपॉन x माइनस में और इस x का मल्टीप्लाई कर देंगे इधर तो नेक्स्ट लाइन में हमें ये मिल जाएगा. x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन एंड देन माइनस वाई जब इधर आएगा तो प्लस वाई. तो हमें फर्स्ट पार्ट मिल गया, ये वाला ये पार्ट हो गया. x से हम यहाँ इंटू करेंगे और माइनस वाई को इधर लेके आएंगे तो ये प्रूफ हो गया. अब यहाँ से हमें इस टर्म को लाना है nth डेरिवेटिव वाला. तो चूंकि हमें y n प्लस टू लाना है, यहाँ पे जो लास्ट टर्म डेरिवेटिव हमें प्रूफ करना है वहाँ y n प्लस टू था, तो अगर हम y2 का nth डेरिवेटिव करेंगे तो हमें n प्लस टू मिल जाएगा. तो हम क्या करेंगे, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग above expression n times with respect to x. ठीक है, with respect to x by Leibniz theorem. हमारा क्या था एक बार फिर से इसको देख लेते हैं. तो लेबनीज थ्योरम था हमारा dn u इंटू वी और ये था dn u इंटू वी प्लस एन सी वन
डी एन माइनस वन यू डी वी प्लस एन सी टू, इसको बार बार लिखेंगे तो ये याद हो जाएगा, एन माइनस टू यू डी टू वी, और इस तरीके से ये जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि u और v हम किस टर्म को माने, हमें इन सभी टर्म का nth डेरिवेटिव करना होगा। nth डेरिवेटिव जब हम अप्लाई करेंगे तो हर टर्म का अलग अलग nth डेरिवेटिव करेंगे। यहाँ पे दो फंक्शन है, y2 में भी कहीं ना कहीं x है, तो ये भी एक x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है दोनों ही, तो ये u और v जैसा है, लेकिन v हम हमेशा मानेंगे x वाले टर्म को, इस x वाले टर्म को, और इसको मानेंगे u, ठीक है। x वाले टर्म को v मानेंगे और इस टर्म को u मानेंगे, उसी तरह यहाँ पे इस टर्म को v मान लेंगे और y1 वाले टर्म को u मानेंगे। ऐसा क्यों करेंगे वो अभी पता चलेगा जब हम डेरिवेटिव करने जाएंगे v का। v का जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो अगर x स्क्वायर होगा तो x हमारा कम होगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, देन एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तो धीरे धीरे x से फ्री हो जाएंगे। इसीलिए हम सिलेक्शन करते समय ध्यान देंगे कि v को हमेशा x वाले पार्ट को लेंगे और y1 y2 वगैरह को u मानेंगे हम, इस तरह से करेंगे। तो इस पर अप्लाई करते हैं यही, तो x स्क्वायर y2 के ऊपर अप्लाई करते हैं। यहाँ पे u हमने माना है y2 को और x स्क्वायर की जगह पे क्या है v है, तो डी एन यू क्या हो जाएगा, डी एन यू, यू क्या है y2 और x स्क्वायर, ध्यान से करेंगे तो गलत नहीं होगा, एन सी वन। नेक्स्ट तो डी एन माइनस वन, डी एन माइनस वन और यहाँ u है तो वहाँ हो गया y2, और फिर d और v की जगह क्या है x स्क्वायर, देन एन सी टू डी एन माइनस टू और y2 और d का पावर 2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर, इस तरह से। देखिए इसके बाद वाला टर्म नहीं आएगा क्योंकि वहाँ डी क्यू एक्स क्यू आ जाएगा, और x स्क्वायर का हम दो बार ही डेरिवेटिव कर सकते हैं, तीसरी बार डेरिवेटिव करेंगे तो ज़ीरो आएगा, इसलिए इसके आगे हम नहीं बढ़ेंगे। तो फर्स्ट पार्ट कम्प्लीट हुआ, इसका सेकेंड पार्ट पर अप्लाई करेंगे सेम। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव है तो एक्स स्क्वायर का दो बार डेरिवेटिव करेंगे, तीसरी बार डेरिवेटिव करेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम डी क्यू एक्स स्क्वायर करें, नेक्स्ट टर्म में आने वाला है, तो क्या होगा, एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो ये टू एक्स मिलेगा, एक बार और डेरिवेटिव होगा तो एक्स मिलेगा, टू मिलेगा, और नेक्स्ट डेरिवेटिव में ये ज़ीरो ही हो जाएगा। तो लिखने का कोई मतलब नहीं है, डी मीन सिंपल डी बाय डी एक्स है, तो तीन बार अगर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो हमें ज़ीरो मिलेगा, इसलिए उस टर्म को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस टर्म पे अप्लाई करते हैं, यहाँ पे वाई वन हमारा यू है तो ये हो जाएगा डी एन वाई वन और वी को एज इट इज़ प्लस एन सी वन डी एन माइनस वन वाई वन इंटू डी एक्स, और ये देखिए यहाँ भी एक टर्म और नहीं लिख सकते क्योंकि एक्स का दो बार डेरिवेटिव अगर करेंगे, यहाँ एक ही x है, पावर वगैरह नहीं है, तो इसके बाद वाला टर्म ज़ीरो हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे। और नेक्स्ट टर्म जो लास्ट वाला है y, इसका n बार डेरिवेटिव करेंगे तो yn आएगा, इसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, yn और इक्वल में है हमारा ज़ीरो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर अब इसका अगर हम डेरिवेटिव करेंगे इस टर्म का, तो ये होगा सिंपली yn प्लस टू, क्योंकि y2 तो पहले से है और n बार डेरिवेटिव करेंगे तो n प्लस टू हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन सी वन को अगर हम सॉल्व करें तो हमें सिंपली मिलेगा n, एन सी वन हम ऐसे कर सकते हैं n फैक्टोरियल अपॉन वन फैक्टोरियल और n माइनस वन फैक्टोरियल, एन सी आर वाले फॉर्मूले से। फिर इसको लिख सकते हैं n n माइनस वन और ये हो जाएगा वन फैक्टोरियल n माइनस वन फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट होगा, हमें सिंपल मिलेगा n। उसी तरह से इस टर्म को करेंगे नेक्स्ट टर्म को, तो हमें मिलेगा d, नो नो d नहीं होगा, y हो जाएगा n प्लस वन इंटू इसका होगा 2x, अगर हम x स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो 2x,
प्लस एन सी टू, एन सी टू को अगर हम उसी तरह से सॉल्व करें जैसे अभी हमने बताया, ये आएगा एन एन माइनस टू, और इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा वाई एन। ये देखिए कैसे सॉल्व हो रहा है, एन माइनस टू और यहाँ पे टू है, तो सिंपल में अगर हम करना चाहें तो एन माइनस टू प्लस टू सिंपल आएगा वाई एन, और इसको दो बार अगर हम करेंगे तो सिंपली हमें मिलेगा टू। नेक्स्ट इसको करेंगे तो वाई एन प्लस वन और इंटू एक्स प्लस एन सी वन, अभी अभी देखा था एन होगा और ये हो जाएगा वाई एन, और ये हो गया एक बार डेरिवेटिव करेंगे एक्स का तो मिलेगा वन प्लस वाई एन इक्वल्स टू ज़ीरो। क्लियर? अब सारे टर्म को इकट्ठा करेंगे जो एक जैसे होंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमें मिल रहा है एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू, जो प्रूफ करना है वो दिख रहा होगा, और नेक्स्ट टर्म में हम वाई एन प्लस वन को एक साथ लिखेंगे, वाई एन प्लस वन यहाँ और यहाँ है, तो यहाँ से वाई एन प्लस वन कामन हो जाएगा और एक्स भी कामन हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ से टू एन, टू एन प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन, इस टर्म से ये वाला टर्म और ये टर्म दोनों को, और लास्ट में हमें कौन सा टर्म मिल रहा है, ये है वाई एन कॉमन हो जाएगा, तो एन एन माइनस वन अपॉन टू प्लस एन प्लस वन, और ये हो गया वाई एन इक्वल टू ज़ीरो। सिंपल, हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू, टू एन प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन प्लस, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा एन स्क्वायर माइनस एन प्लस टू एन प्लस टू अपॉन टू वाई एन इक्वल्स टू ज़ीरो। एन एन ठीक है, तो देखते हैं लास्ट में इसमें हमें लाना क्या था, एन स्क्वायर प्लस वन था ना, एन स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा माइनस एन, एक टर्म कहीं छूट रहा है, एन स्क्वायर माइनस एन 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 माइनस वन, यहाँ से टू कैंसिल हो रहा था, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी, टू टू ये कैंसिल हो रहा था, तो यहाँ थोड़ा सा करेक्शन करेंगे तो यहाँ मिलेगा एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन, राइट, ये कैंसिल हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस वन, सो दिस इज़ द आंसर, एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू प्लस टू एन प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन प्लस, ये हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस वन वाई एन इक्वल टू ज़ीरो। ये था हमें nth डेरिवेटिव में शो करना, तो थोड़ा सा आराम से करेंगे तो हो जाएगा, इतना कठिन नहीं है ये, लेकिन सावधानी बरतने की ज़रूरत है, कई जगह nth डेरिवेटिव है और पहले तो एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन में हम ध्यान देंगे किसको u और किसको v मानना है, उस हिसाब से करेंगे, तो बहुत कठिन नहीं है। इसी तरह से हम एक आप क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन है इफ वाई इक्वल साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, देन प्रूव दैट वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू
माइनस एक्स वाई वन माइनस टू इक्वल ज़ीरो एंड और साथ साथ ये भी प्रूफ करना है वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू माइनस एक्स टू एन प्लस वन इन ब्रैकेट वाई एन प्लस वन माइनस एन स्क्वायर वाई एन इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो सेम उसी के जैसा क्वेश्चन है, हमारा फंक्शन थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे। तो y बराबर साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, सबसे पहले हमें ये शो करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो एंड देन ये प्रूफ करना है। तो यहाँ हमारा लेबनीज़ थ्योरम लग जाएगा जो हमारा आज का टॉपिक था। तो सबसे पहले हम प्रूफ करते हैं इस पार्ट को। तो गिवन है, गिवन y इक्वल साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे y2 एक टर्म दिख रहा है, यहाँ y1 है, तो जाहिर सी बात है यहाँ डबल डेरिवेटिव हमें करना होगा। तो दो बार हम इसको डेरिवेटिव करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट y1 इक्वल टू टू साइन इनवर्स x, फिर साइन इनवर्स x का करेंगे तो वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा इसका डेरिवेटिव। अब इसको हम क्रॉस कर लेते हैं इधर, तो ये हो जाएगा वाई वन इंटू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा टू साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब इसका एक बार और डेरिवेटिव करते हैं। यहाँ दो फंक्शन हो गया तो फर्स्ट एंड सेकंड अप्लाई हो जाएगा। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड करेंगे तो हाफ, फिर हाफ का पावर माइनस वन होगा तो माइनस हाफ आएगा और फिर से हमें वही मिलेगा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, फिर से हम ब्रैकेट करेंगे तो आएगा माइनस टू एक्स प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट फंक्शन वाई वन एंड डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड is this and then the second function and derivative of first is y2 और ये हो जाएगा 2 sin inverse x का derivative क्या होगा under root 1 minus x square। ठीक है, वो तो आसान है, इसका derivative करेंगे तो under root में है तो half इसका power होगा 1 minus x square का power है ये half, power half है, जब भी डेरिवेटिव होगा तो हाफ आगे आएगा, फिर इसका पावर माइनस हाफ हो जाएगा, हाफ माइनस वन और फिर इसका करेंगे तो आएगा माइनस टू एक्स, वही है यहाँ पे। तो टू से यहाँ टू कैंसिल हो रहा है, टू एक्स बचेगा, एक्स एक्स, तो थोड़ा सावधानी रखने की ज़रूरत है, नहीं गलत हो जाएगा। माइनस एक्स वाई वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ है वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू और इधर है टू अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर इसको हम एलसीएम ले लें यहाँ पे अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर को, तो यहाँ से रूट हट जाएगा, यहाँ पे माइनस ही है और अपॉन में जो रहेगा उससे ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। अगर हम इसको एलसीएम लें तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से रूट कैंसिल होगा तो वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन होगा हमारा माइनस एक्स वाई वन प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू, वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू अपॉन में आएगा यही टर्म अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और उधर है टू अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो नीचे वाले टर्म को हम कैंसिल कर सकते हैं, ये टर्म अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको हम हटा लेते हैं ऐसे ही और नेक्स्ट जो लाइन है वो आंसर ही है, यही तो लाना था। माइनस टू हम इधर लेते आएंगे, इस टर्म को यहाँ लिख दिया, इसको इधर लिख दिया,
ठीक। अब हमारा अगला काम है इसको प्रूफ करना, जो nth डेरिवेटिव के थ्रू आएगा। वाई टू है यहाँ पे, और यहाँ हमें लाना है वाई एन प्लस टू, वाई एन प्लस टू माइनस एक्स वाई एन प्लस वन। तो जाहिर है वाई टू का nth डेरिवेटिव हम करेंगे, और लाइब्रेरीज को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिर्फ दो बार डेरिवेटिव है। यहाँ रूट था इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हुआ, अदरवाइज आसान है। तो यहाँ पे लैग्रेंज इस्तेमाल होगा, तो ऑन डिफरेंशिएटिंग एन टाइम्स बाय लैग्रेंज थ्योरम। तो लैग्रेंज इस्तेमाल करेंगे तो क्या आएगा, डी एन nth डेरिवेटिव ऑफ u, एंड u को हमने पहले ही कहा था कि जो x वाला टर्म है, इस x वाले टर्म को हम हमेशा v मानेंगे और इसको u मानेंगे। यहाँ भी ये v होगा और ये u होगा, और लास्ट टर्म में तो कुछ है ही नहीं, उसका डेरिवेटिव ज़ीरो ही हो जाएगा। तो इसी पे अप्लाई करते हैं, तो dn y2 वाई टू, एंड देन इसको एज इट इज़ लिखेंगे वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो nth डेरिवेटिव ऑफ u प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस होगा एन सी वन। फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो फार्मूला दिमाग में रखेंगे, अदरवाइज हर बार यहाँ पे लिख देंगे तो याद रहेगा। डी एन माइनस वन होगा और फिर आएगा वाई टू, एंड देन डी, और वी हमारा क्या है, वन माइनस एक्स स्क्वायर। एक बार और हो जाएगा एन सी टू डी एन माइनस टू वाई टू, और यहाँ होगा डी टू वन माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट टाइम नहीं कर सकते क्योंकि एक्स दो बार है, एक्स का पावर टू है, तो दो बार डेरिवेटिव हो सकता है, तीसरी बार ज़ीरो हो जाएगा। फिर नेक्स्ट इस पार्ट को करेंगे तो माइनस डी एन हो गया वाई वन एक्स, फिर माइनस होगा एन सी वन डी एन माइनस वन, फिर से वाई वन, और ये हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, जिसे कन्फ्यूज़न होगा वो हर बार फॉर्मूला लिख के तो उसको अप्लाई करेगा, अदरवाइज मिस्टेक होगा जल्दबाजी में। एन सी वन डी एन माइनस वन इंटू वाई वन इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा माइनस एन सी टू डी एन माइनस टू। तो अदर टर्म होगा नहीं क्योंकि नेक्स्ट डेरिवेटिव इसका एक्स का ज़ीरो हो जाएगा, तो ये अगला टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है, और इसका डेरिवेटिव होगा नहीं, सिंपल हो गया ज़ीरो। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा वाई एन प्लस टू, और ये क्या है एज इट इज़ वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एन सी वन होगा हमारा एन, ये हो जाएगा वाई एन प्लस वन। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस टू एक्स, वन माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव वन माइनस टू एक्स, प्लस एन सी टू का मान आता है एन माइनस एन एन माइनस वन बाई टू। इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा वाई एन, इसका दो बार डेरिवेटिव करेंगे तो सिंपली हमें मिलेगा माइनस टू। एक्स स्क्वायर का एक बार डेरिवेटिव माइनस टू एक्स, और एक बार और करेंगे तो माइनस टू, एंड देन ये हो जाएगा वाई एन प्लस वन इन टू एक्स माइनस एन सी वन होगा दिस एन, एंड दिस इज वाई एन, और इसका डेरिवेटिव वन इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको थोड़ा आगे लिख लेते हैं, वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू, और जो वाई एन प्लस वन वाला टर्म है उसको एक साथ लिखेंगे। यहाँ टू से टू कैंसिल कर लेते हैं, तो वाई एन प्लस वन वाला टर्म यहाँ पे है और यहाँ पे है, एक्स है वहाँ पे, और माइनस टू एन दिख रहा है, माइनस टू एन, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस और एक्स भी कॉमन है दोनों जगह पे, और यहाँ से बचेगा टू एन प्लस वन टू और एन, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो वन हो गया, और यहाँ आ जाएगा वाई एन प्लस वन। बहुत कठिन नहीं है, इन दोनों टर्म्स लेके आ रहे हैं हम, ये वाला और ये वाला, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, दोनों में से माइनस कॉमन, तो अंदर दोनों प्लस हो जाएगा, यहाँ से टू एन बचा और यहाँ से वन, इतना हो गया। नेक्स्ट टर्म में क्या बच रहा है, यहाँ भी माइनस है और यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस दोनों में ही है, कॉमन ले लेंगे माइनस को,
और लास्ट टर्म हमको लाना है माइनस एन स्क्वायर, माइनस एन स्क्वायर वाई एन। तो माइनस यहाँ से कॉमन दिख रहा है और यहाँ पे बचेगा क्या, एन एन माइनस वन है तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन, और यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन लिए हैं तो ये प्लस एन हो जाएगा, और इधर तो वाई एन है ही है ज़ीरो। क्लियर? तो लास्ट लाइन में हमारा आंसर है एन और एन कैंसिल, तो माइनस एन स्क्वायर वाई एन इक्वल ज़ीरो। तो आखिरी लाइन हम इसी में लिख लेते हैं, नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा एन स्क्वायर वाई एन इक्वल टू ज़ीरो, माइनस एन स्क्वायर वाई एन इक्वल ज़ीरो। ये था इसका आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बीएससी लेवल पे, और हायर में अगर आप एंट्रेंस की बात करें तो डायरेक्ट रिज़ल्ट याद रखना पड़ता है, वहाँ सॉल्व करने के लिए इतना टाइम तो रहेगा नहीं, तो उसके लिए तो रिज़ल्ट हमें याद होने चाहिए कि इसका डेरिवेटिव इतना आएगा, फिर इसका nth डेरिवेटिव इस तरह से आएगा। तो वहाँ के लिए ज़्यादा ज़रूरी है ये वाला nth डेरिवेटिव नहीं, लेकिन बीएससी लेवल के लिए तो है ही, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह से कोई भी फंक्शन होगा हमें y2 या y1 से पता चल जाएगा कितनी बार हमें डेरिवेटिव करनी है, और उसके बाद उसका nth करना है या n माइनस वनth करना है, उस तरह से हम इसको कर सकते हैं। डायरेक्ट नहीं कर सकते थे, हमें यहाँ लाना था वाई एन प्लस टू, तो वाई एन प्लस टू लाने का मतलब कि एक पहले हम दो बार इसको डेरिवेटिव कर लें, फिर nth डेरिवेटिव करेंगे लाइब्रेरी से, तो इस तरह से आएगा। तो और क्वेश्चन है इसमें जो हम बाद में करेंगे, फिलहाल आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, चिल नाउ, थैंक यू सो मच।